दूजे दिन यूहन्ना ते उहदे चेलियां विच्चों दो जने खलोते हुए सन, पर उसने यीशु नूं तुरिया जांदा वेख के आख्या, वेखो परमेश्वर दा लैला। ता ओ दोवें चेले उसदी गल सुन के यीशु दे मगर तुर पए। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਿਛਾਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਲਦੇ ਹੋ? ਹੇ ਰੱਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਹੋ? ਰੱਬੀ, ਰੱਬੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਆਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ। ਤਦ ਦੁਪਹਿਰੀ ਦੇ ਕੋਈ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ। एक शमाउन पत्रस दा भरा अंद्रियास सी। उसने अपने भरा शमाउन नू पहला लभ लिया। असा मसीह नू लभ लिया। इस शब्द दा अर्थ है मसीह। देख, देख। अंद्रियास शमाउन नू यीशु को ले आया। ते यीशु ने उस वल दृष्टि करके वेख्या ते उसनू कहा, तू यूहन्ना दा पुत्र शमाउन है, तू केफास अर्थात पत्रस सदावेंगा। पत्रस का अर्थ है एक पत्थर। अगले पलक यीशु ने चाहया जो उत्थों निकल के गलील विच जावे। ता फिलिप उसनु लब के उन्हों आख्या, मेरे पीछे हो तुर। अते फिलिपुस बैतसैदे दा सी, जो अंद्रियास अर पत्रस दा नगर है। फिलिपुस ने अंद्रियास नू लब लिया। जिदे विखे मूसा ने तुरेत विच अते नबिया ने लिखिया, सो असा उस नू लब लिया है। वो यीशु है, यूसुफ दा पुत्र, नासरत दा है। भला नाजरत विचों कोई उत्तम वस्तु निकल सकती है? आते वेख। यीशु ने नथानियल नू अपनी वल आउंदा वेख के उहदे विखे आख्या, वेखो सच्चा इसराइली जिहदे विच छल नहीं है। तुसी मैनू कित्थों जाणदे हो? उस तो पहला जो फिलिप उसने तैनू सद्या, जा तू हंजीर दे बेर छेड़ सै, मैं तैनू वेख्या। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ। ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਬਿਰਛ ਹੇਠ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਉਤਰਦੇ ਵੇਖੋਗੇ,